अपोलो हॉस्पिटल ने एक बार फिर से यहाँ पे बम्पर उतनी निकाल दी है। दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे मेल फीमेल सभी के लिए पे सुनहरा अवसर अपना अच्छा करियर यहाँ पे बना सकती है अपोलो होटल में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे जो अलग अलग लोकेशन पे बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है निकल के आ चुकी है। दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड है अपोलो हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आपको 100% यहाँ पे जॉब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 18,000 से स्टार्टिंग है, 32,000 तक यहाँ पे कमा सकते। हर डिपार्टमेंट की अलग सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो मल्टीपल लोकेशन पर दोस्तों आप चाहे उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकते, दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते, मुंबई के लिए अप्लाई कर सकते। बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों मल्टीपल लोकेशन पर जो निकली है। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जॉब करने के लिए तो अप्लाई किससे करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पर विजिट कर लेते इसकी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल से दोस्तों बंपर भरते निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कैसे जॉब मिलेगी इस पर यहाँ पे पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे दोस्तों यहाँ पे जॉब के लिए कैसे आवेदन करना है। तो सिंपली दोस्तों आपको गूगल में चले जाना, यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट विजिट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों की वेबसाइट से ही यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है अपोलो हॉस्पिटल करियर। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके यहाँ सामने यहाँ पे लिंक दिखेगी इसकी अपोलो हॉस्पिटल की। दोस्तों करियर वाले ऑप्शन पर आप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे दोस्तों वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे करना है क्या, नीचे आपको स्कूल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों करियर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों करियर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जिसके नीचे आपको हॉस्पिटल का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे आप यहाँ पे हॉस्पिटल पर क्लिक करेंगे, जी हाँ दोस्तों, फोन को पोर्ट्रेट मोड में आपको कर लेना है ताकि यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बीच में दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रही फाइंड जॉब का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो टाइटल लिख के दोस्तों फाइंड जॉब कर सकते हो, लोकेशन आप किस लोकेशन पर जॉब करना चाहते हो तो लोकेशन वाइज यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो मैं दोस्तों ऑल जॉब्स के बारे में बताऊंगा अलग अलग लोकेशन पर। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे जो निकली हैं हॉस्पिटल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों देख पा रहे हैं ऑल जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 229। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी वैकेंसीज यहाँ पे दोस्तों सारे डिपार्टमेंट यहाँ आप लोगों को दिख जाएंगे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, तो सिंपली दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों को दिख जाएंगे अलग अलग लोकेशन पर और अलग अलग डिपार्टमेंट। दोस्तों बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे जो निकल के आ चुकी हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एसोसिएट की यहाँ पे कंसल्टेंट की इंडिया के लिए, तो यानी कि दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए दोस्तों हैं। ऑपरेटर पेशेंट की दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए दोस्तों, एग्जीक्यूटिव की नई दिल्ली के लिए दोस्तों हैं। बहुत सारी वैकेंसीज दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेनी नर्सिंग के दोस्तों यहाँ पे केरल के लिए है, ट्रेनी मैनेजर की तमिलनाडु के लिए है, रिसर्च फेलो की दोस्तों यहाँ पे नोएडा के लिए। दोस्तों इसी जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए। सिंपली दोस्तों इसी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे रिसर्च फेलो पर, जो कि ये पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाए, तो इसका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे मिनिमम आपकी जो ग्रेजुएट लेवल, अगर आप क्वालिफिकेशन में दोस्तों अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर लिया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों जॉब के लिए। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक कर लिए हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको दोस्तों देख पा रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी दोस्तों यहाँ पे जो है टाइप करनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर दें। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे दोस्तों देख पा रहे हैं कंटेंट पर, जैसे आप अपनी मेल आईडी से वेरीफाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टाइटल में दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल में सिलेक्ट करना है MR। अगर आप एक मेल हैं तो दोस्तों आपको MR यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आप एक लेडी हैं तो आपको MS। तो दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम दोस्तों लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेल आईडी पहले से दिख जाएगी। री एंटर दोस्तों अपनी मेल आईडी कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिर कंट्री में दोस्तों आपको पहले से सिलेक्ट मिलेगी, फिर दोस्तों आपको जो भी आपका स्टेट है सिलेक्ट कर सकते हैं, टाउन में दोस्तों आपका टाउन सिलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड दोस्तों अपना लिखेंगे और यहाँ पर एड्रेस में अपना जो भी गवर्नमेंट आईडी पे है अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करनी है, फिर दोस्तों आ जाएंगे यहाँ पे जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस में दोस्तों सिंगल है तो सिंगल, आपकी मैरिड होगी तो मैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको इस नंबर में जॉब देना है, तो आर यू फार्मर एम्प्लॉय तो दोस्तों आपको यस कर देना है यहाँ पे, और जो भी आपको समझ में आया इस नंबर में आपको यहाँ पे जॉब दे देनी है दोस्तों। बहुत ही ईजी दोस्तों, आप लोग सिंपली यहाँ पे फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कैंडिडेट एक्सपीरियंस, तो दोस्तों अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेशर पर
यस कर देना है। अगर कहीं आपने काम किया है तो आपको काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर नो जो है नो कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फ्रेशर रहने दीजिए, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे करने के बाद थ्री टास्क में दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे अपलोड रिज्यूम। दोस्तों अपलोड यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे, फिर दोस्तों देख पा रहे ऐड कवर लेटर, इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं दोस्तों। अपना यहाँ पे अपलोड रिज्यूम दोस्तों इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे। जैसे आप अपलोड करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक फोटोग्राफ दोस्तों आपको यहाँ पे अटैच करनी है। अपलोड पे क्लिक करके फिर डिसेबिलिटी में दोस्तों कैटेगरी पे आ जाएंगे, इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे विकलांग लोगों के लिए दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे टिक करके आई एग्री पे टिक करके दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर दोस्तों आपको यहाँ पे जो है लिख देना है अपना नाम। यहाँ पे देख पा रहे फुल नेम आपको लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट जैसे बटन आ रहा है, जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों आपका जो फॉर्म होगा यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के लिए अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसका लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, डायरेक्टली फॉर्म का यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।